हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग गीक्स में आपका स्वागत है। हम टेक्निकल एनालिसिस की अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रीवियस सेशंस में हमने देखा कि डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप क्या होते हैं। आज हम सीखेंगे चार्ट पैटर्न में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर रेक्टेंगल्स क्या होते हैं, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के अपोजिट जो होता है हेड एंड शोल्डर वो क्या होता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो होता है वो डाउन ट्रेंड पे बनता है, और ये जब ब्रेकआउट देता है तो मार्केट में रिवर्सल आ जाता है। तो ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, जिसमें हेड ये है, शोल्डर शोल्डर ये है, नेक लाइन ये है। जब ब्रेकआउट आता है तो इस पर्टिकुलर टारगेट तक का ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है। उसके बाद ये बाउंस करता है, फिर नीचे आता है, फिर बाउंस करता है, फिर नीचे आता है, और फिर फाइनली नेक लाइन का ब्रेकआउट दे के मार्केट रिवर्स होकर बाय में चला जाता है, मतलब अप ट्रेंड में आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हेड एंड शोल्डर जो होता है, हेड एंड शोल्डर में अप ट्रेंड चल रहा होता है, अप ट्रेंड चलने के साथ साथ मार्केट में हल्का सा करेक्शन आता है, फिर अप ट्रेंड की जो रिदम होती है वो फिर से कैरी ऑन होती है, एंड देन अगेन वो हल्का करेक्शन देता है, फिर पाया जाता है, और फिर फाइनली नेकलाइन का ब्रेकआउट दे के मार्केट में रिवर्सल आ जाता है और टारगेट डाउन तक का होता है। तो इस तरीके से हेड एंड शोल्डर, तो ये हेड एंड शोल्डर जो होता है, हेड एंड शोल्डर हमेशा अप ट्रेंड पे बनता है, और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जो होता है वो हमेशा डाउन ट्रेंड पे बनता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इनके चार्ट्स फिल्टर्स हम कैसे देखेंगे। तो मैंने आपको पहले प्रीवियस सेशंस में भी बता दिया है कि हम जो है टॉप स्टॉक रिसर्च और ट्रेंडलिन, इनके सभी के लिंक मैं आपको वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके अलावा यहाँ पर जब हम सर्च करते हैं तो यहाँ में बहुत सारे फ़िल्टर्स मिलते हैं, तो मैंने ऑलरेडी फ़िल्टर्स लगा के रखे हैं, बस मुझे बताना है कि किस तरीके को। तो मैंने पहला फिल्टर हेड एंड शोल्डर के लिए लगाया, टाटा स्टील का, जो कि मैंने यहीं से सर्च किया हुआ है। तो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये मैंने टाटा स्टील का चार्ट लगाया। टाटा स्टील के चार्ट में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हमें डेली चार्ट पे दिखेगा, तो ये मैंने इसका डेली चार्ट लगाया, और डेली चार्ट में अब आप देख पा रहे होंगे कि ये एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, और ये पैटर्न कुछ इस तरीके का है कि ये यहाँ पर एक डेली का ये हेड है, उसके बाद ये शोल्डर होता है और ये शोल्डर होता है, फाइनली ब्रेकआउट आता है इस नेक लाइन के नीचे, और जब ब्रेकआउट आएगा तो ये यहाँ पे नीचे तक रिट्रेस करेगा, और इसका SL जो बनेगा वो इस हाई का बनेगा। तो ये एक बहुत अच्छा फॉर्मेशन है जो कि डेली चार्ट में, तो इस तरीके से आप पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आप ये भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड की अप ट्रेंड चल रहा है, तो अप ट्रेंड में जाकर ये अपना हेड कंफर्म करता है और उसके बाद में ये रिट्रेस करता है। ठीक है, तो ये होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। उसके बाद दूसरा मैंने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के लिए जो फिल्टर लगा के रखा है वो टेक महिंद्रा का है, तो टेक महिंद्रा का हम चार्ट लगाते हैं। टेक महिंद्रा का ये मैंने चार्ट लगाया, इसमें हमें देखना है 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट में हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा कि ये जो होगा ये आपका हेड होगा। मैं आपको फिर से एक बार रेज के थ्रू बता देता हूँ कि किस तरीके से ये काम करेगा। वेट अ मिनट, ये मैंने लिया और ये मैंने सबसे पहले एक रे ली, ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये, तो इसने इस बार जो था हल्का सा रिट्रेसमेंट यहाँ साइड में दिया है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये इतना है, और इसने फिर ब्रेकआउट दे दिया, और फाइनली फिर ये सीरीज़ जो इस तरीके से चलती जा रही है। ठीक है, तो ये एक पैटर्न होता है जिसमें आप देख सकते हैं। देखिए, हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्यूरेट 100% चार्ट का पैटर्न मिल जाए, बट चूंकि एक मार्केट एक बिहेवियर पे चलता है और बिहेवियर अप्रॉक्स होते हैं, इसलिए हमेशा हमें अप्रॉक्स लेना पड़ता है। तो हमेशा इसका जैसे यहाँ पे नेकलाइन 967 के आसपास की आ रही है, तो बस उसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा और मार्केट फिर बाउंस करके, देखिए आप ये प्राइस था यहाँ से स्टार्ट हुआ तो फिर से रिट्रेस करके वो उसी प्राइस पर आ गया। तो ये दो चार्ट थे, पहला था हमने देखा हेड एंड शोल्डर के लिए टाटा स्टील का, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के टेक महिंद्रा का। इसमें यहाँ डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, उसके बाद ये पैटर्न बनता है। अब मैं कुछ दूसरे पैटर्न्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, जैसे कि रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और बुल रेक्टेंगल भी दो प्रकार के हो रहे हैं। एक बियरिस रेक्टेंगल है जो फाइनली डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है, फिर मार्केट हल्का कंसोलिडेट करता है और फिर ब्रेकआउट आता है, तो ये बियरिस रेक्टेंगल था। और ये बुलिस रेक्टेंगल है जिसमें मार्केट अप ट्रेंड में है, कंसोलिडेशन है और फिर ब्रेकआउट आया है। बुलिस रेक्टेंगल और बियरिस रेक्टेंगल में बस डिफरेंस इतना होता है कि ट्रेंड डिपेंड करता है कि जैसे यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है तो उसका जो ब्रेकआउट आया वो अप की तरफ ही गया, और बियरिस में डाउन ट्रेंड चल रहा था, ब्रेकआउट आने के बाद वो नीचे की तरफ ही गया। तो हमने रेक्टेंगल के लिए एक चार्ट देखा है जिसका मैं लगा लेता हूँ, ICICI प्रूली का, ICICI प्रूली ये।
आईसीआईसीआई प्रूली में जो चार्ट है आप देखेंगे कि ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चलते चलते यहाँ पर इस पर्टिकुलर रेंज पे, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ, इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट जो आया वो फिर से डाउन ट्रेंड को कंटिन्यूएशन पीरियड पे रखा है। तो ये एक रेक्टेंगल है और ये बियरिश रेक्टेंगल है ना, तो इस तरीके से चार्ट का फिल्टर करते हैं और अपन रिकग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और भी बहुत सारी चीज़ें अभी हमें सीखने का मौका है। थैंक यू सो मच।